हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज का लास्ट पार्ट, जिसमें हम कुछ क्षेत्रफल और वॉल्यूम के सवाल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं उनको जरा। देखिए, सवाल का आंसर पहले थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, वृत्त को सर्कल बोलते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी हिंदी में भुजा वर्ग, भुजा वर्ग। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर जो होती है हमारी रेडियस होती है, ऐसी वॉल्यूम यानी कि आयतन। बेलन का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो इसके बेस पर कुछ सवाल है वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी। आप पहले फ्रैक्शन लीजिए, इसका परसेंट से फ्रैक्शन बनाइए। 20% का मतलब होता है 20/100, और इसमें इसका भाग दीजिए, हो गया 1/5। मान के चलिए नीचे वाली वैल्यू जो आपको इनिशियल वैल्यू यानी कि यही आपकी कोई मूल संख्या है, एक वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि कर दिया थी। मान के चलिए वो 5 थी आपकी, 5 का 20% निकालेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, यानी कि 5 में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो ये कितना हो गया, 6 हो जाएगी, और नीचे 5, यानी कि ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई, और ये नीचे वाली इनिशियल वैल्यू आपकी है यानी मूल संख्या। पहले 5 थी, अब 1 बढ़ गई यानी कि 6 हो गई। तो आप देखिए हमसे कह रहा है, तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितना प्राप्त पड़ेगा, तो यहाँ पर डालिए इनिशियल और यहाँ पर डालिए फाइनल। तो यहाँ पर लिख लीजिए एरिया, एरिया दोनों में एरिया सेम लिख दीजिए। एक वर्ग का, वर्ग का जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए वन स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ पे ए टू स्क्वायर लिख लीजिए। ए वन आपका इनिशियल वाला यानी कि 5 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी होगी नीचे 5, और ए टू की वैल्यू होगी ऊपर 6 यानी कि फाइनल वाली, ये 6 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि पहले 25 था एरिया, फिर 36 हो गया यानी कि बढ़ गया। कितना बढ़ गया, यहाँ से 25 से 36 हो गया यानी कि 1 और 1 यानी 11 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 11। कहाँ से बढ़ा है, इनिशियल वैल्यू से बढ़ा, यानी 25 था पहले, 36 हो गया यानी कि 11 की तो वृद्धि हो गई। कहाँ से, यहाँ से 25 से, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, 25 × 100 और 11 में इसका गुणा करेंगे तो 11 × 44%, यानी कि इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 44% की। क्वेश्चन नंबर 32, एक वृत्त की त्रिज्या में 25% वृद्धि कर दी जाती है, एक वृत्त की त्रिज्या में 25% वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए इसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन बनाइए, यानी कि 25/100, 25 × 100 यानी कि 1/4, यानी कि मान के चलिए जो आपकी त्रिज्या दे रखी होगी वो 4 होगी। कितनी होगी, 4, यानी कि 4 का 25% निकालेंगे, वृद्धि कह रहा है 4 का 25% निकालेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, यानी कि 1 की वृद्धि हो जाती है। 25% वृद्धि कर दिया यानी कि 1 की वृद्धि हो जाती है, 4 थी आपकी, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 5, यानी कि नीचे 4, इनिशियल 4 और फाइनल 5, यानी कि पहले त्रिज्या आपकी 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो 5 हो गई। तो यहाँ पर डाल लीजिए इनिशियल और फाइनल। आपको फिर से एरिया फाइंड करना है, जो वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, इसको बन लिख लीजिए, और ये पाई आर स्क्वायर 2, पाई से पाई खत्म। आर वन की जो वैल्यू है वो 4 है, 4 का स्क्वायर, और R2 की जो वैल्यू है वो 5 का स्क्वायर। ये हो गया 16 और ये हो गया 25। आप यहाँ से देखिए कि 16 थी, 25 हो गई, कितनी बढ़ गई, 9। कहाँ से, 16 से, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। इसे काट लीजिए आप 4 से, 4 × 16 और 4 से काटेंगे 25, 25 नम्मा 225/4, 4 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24, 1/4%, यानी कि 56 सहित 1/4% की वृद्धि हो। क्वेश्चन नंबर 33, एक वृत्त की त्रिज्या में 25% कमी कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी।
अब हमें कमी दे दे रहा है, ठीक है। तो देखिए 25% का फ्रैक्शन बनाइए पहले, 25% का मतलब होता है 25/100, 25 चौक 100, 1/4, यानी कि मान के चलिए वो संख्या आप पे 4 थी, वृत्त की त्रिज्या आपके पास 4 थी, 4 का 25% निकालेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, कितना 1, यानी कि पहले आपके 4 थी, अब 1 कम हो गया तो कितनी रहेगी आपकी 3/4, ये आपकी हो गई इनिशियल और ये आपकी होगी फाइनल। तो वृत्त की बात करता है तो इनिशियल फाइनल लिख लीजिए, एरिया किसका वृत्त का जो होता है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2, ये नीचे वाला इनिशियल है तो यहाँ पे 4 लिखिए और इस पे स्क्वायर साढ़े स्क्वायर लगाइए, और ऊपर वाला 3 है तो 3 पे स्क्वायर लिखिए, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 9, पहले 16 था घट के 9 हो गया, कितना कम हो गया 16 में से 9 गए 7, 7 कम हो गया कहाँ से 16 से, इंटू 100 परसेंट निकाल लीजिए, 100 का इंटू करेंगे तो आप इन्हें काट लीजिए, ये कटेगा 4 से 25 बार और ये कटेगा 4 से 4 बार, 25 7 35 7 2 14 15 16 17 175/4, 4 का इसमें डिवाइड दे दिए 4 चौक 16, कितना बचा 1 और 4 3 12, कितना बचा 2, यानी कि 3/4%, यानी कि इतना आपको कमी हो जाएगी 43/4 देगी। एक बेलन की त्रिज्या में 25% वृद्धि कर दी जाती है और इसकी ऊंचाई में 20% कमी कर दी जाती है, तो बताइए इसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस की दे देगी हमको 25% वृद्धि हो रही है, यानी कि त्रिज्या में 25% का होता है 25/100, यानी कि 1/4, 25 चौक 100 होता है, यानी कि आप पे वो रेडियस मान के चलिए 4 थी, 4 का आप 25% निकालेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, यानी कि 4 से 25% बढ़ गई तो यानी कि 1 आ गया, 4 से कितनी बढ़ाई 1 बढ़ गया तो 5/4, यानी कि ये आपकी इनिशियल हो गई, ऊपर वाली फाइनल हो गई, ये रेडियस की बात हो गई। और इसकी ऊंचाई में, अब हाइट में कह रहा है वो कि 20% कमी कर दी जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन बनाइए पहले, यानी कि 20/100, 1/5, ये इनिशियल हो गया नीचे, यानी कि आपका 5 है मान के चलिए हाइट, 20% निकालेंगे आप 5 का तो कितना प्राप्त हो गया आपको 1, तो कमी कर दी गई है, यानी कि पहले 5 थी अब 1 कम हो गई, यानी कितनी रहेगी 4/5, ये इनिशियल हो गई और ऊपर वाली आपकी फाइनल हो गई। तो देखिए सबसे पहले आप इनिशियल लिखिए और फाइनल लिखिए, क्या निकल पा रहा आपसे वॉल्यूम आयतन, आयतन क्या होता है इसका, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये दोनों 1 लिख लीजिए और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 2H2, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, जे R1 और H1 है, जे R2 और H2 है, यानी कि R1 इनिशियल जो वैल्यू है इसकी R1 की वो कितनी है 4, इस पर स्क्वायर चढ़ा स्क्वायर चढ़ाइए, इंटू H1 कितनी है इनिशियल 5, तो आप 5 का इंटू कीजिए इसमें, ऐसी R2 कितनी है इसकी आपकी 5, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू H2 कितनी है आपकी 4, यानी 4, ये हो गया आपका 16 इंटू 5, ये हो गया 25 इंटू 4, ये हो गया 16 × 5 = 80, ये हो गया 100, यानी कि आप पे जो पहले आयतन था 80 था, फिर आपका हो गया 100, यानी कि कितना बढ़ गया यहाँ से आपका आयतन 20 बढ़ गया, कहाँ से इनिशियल से यानी 80 से, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, 20 चौक 80, 4 का इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा 25%, यानी कि आपका 25% की वृद्धि हो जाएगी। 35 देखिए, एक शंकु की त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दी जाती है और इसकी ऊंचाई को समान रखा जाता है, तो बताइए इसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। तो शंकु की रेडियस दे रखी है कितनी 20%, 20% का फ्रैक्शन जो होता है 1/5 होता है, यानी कि आपका इनिशियल पहले आपकी जो रेडियस थी वो 5 थी, 20% बढ़ गई यानी कितनी हो गई 1 आगे बढ़कर, 5 से 1 बढ़ गई यानी कितनी हो गई 6 और नीचे 5, और जिसकी हाइट है उसको समान रखा जाता है, यानी कि जैसी है वैसी रहेगी। तो शंकु यहाँ पे इनिशियल लिखिए और यहाँ पे फाइनल, जो शंकु की क्या नाम है इसका आयतन यानी वॉल्यूम, शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2, ठीक है।
तो आप देखिए यहाँ पे हाइट दोनों की सेम दे रखी है, हाइट से हाइट खत्म कर दीजिए, h1 लिख दीजिए, अभी इसको भी काट दीजिए, पाई काट दीजिए, 1/3 काट दीजिए, केवल रेडियस अलग अलग दे रखी है। पहले रेडियस आपकी कितनी थी, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, और बाद में हो गई 6, यानी कि 6 का स्क्वायर, 25 और 36, 25 से 36 हो गई। कितना बढ़ गई यहाँ से, 11, कहाँ से, 25 से, इंटू 100, इसमें इसका डिवाइड दिए 25 चौक 100, 11 चौक 44%, यानी कि इसके आयतन में 44% की वृद्धि हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपने हमारी परसेंटेज की सारी वीडियो नहीं दे रखी हैं, देखी हैं, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उसको देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।